संबल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। सुरक्षा के मद्देनजर मजिस्ट्रेटों की तैनाती करने के साथ ही अब ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए रेड कार्ड नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनमें शांति भंग होने की आशंका है। अभी तक 180 ऐसे लोग प्रशासन ने चिन्हित किए हैं जिनकी कृत्य से माहौल बिगड़ने का खतरा है। इन्हें रेड कार्ड नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन्हें 1 साल के लिए 1-1 लाख रुपये और इतनी की धनराशि की 2 जमानतों के निजी मुचलकों में पाबंद किया जाएगा। वहीं बुधवार की शाम को RAF के जवानों ने शहर में पैदल मार्च कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आंदोलन के दौरान दिसंबर माह में हुए बवाल और उसके बाद से बने तनातनी के हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन इस बार होली पर अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम कर रहा है। पुलिस प्रशासन का जो प्लान तैयार किया गया है उसके मुताबिक संबल तहसील क्षेत्र को 15 सेक्टरों में बांटते हुए मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं पुलिस महकमे में ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जिनसे होली पर शांति भंग किए जाने की आशंका है। जनपद संभल में शांति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर आने वाले होली और अन्य त्योहारों के दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी सारे लोगों को रेड कार्ड नोटिस दिया गया है। उन्हें ये बताया गया है कि आप अगर कोई भी न्यूसेंस करेंगे, किसी प्रकार की आप समस्या उत्पन्न करेंगे या कोई बलवा बवाल आदि करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेड कार्ड नोटिस में इन सभी को बताया गया है। हमारे जनपद में 547 लोगों को अभी तक रेड कार्ड नोटिस जारी किया गया है, जिसमें हमारा मुख्य थाना क्षेत्र जो है संभल, नखासा, हयात नगर और चंदौसी, बहजोई, इन सब में मिला करके लगभग 250 लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जो विगत वर्षों में इस तरीके के बवाल या विवाद में शामिल रहे हैं या आने वाले समय में जिनकी संवेदनशीलता दिखाई दी है कि जो व्यक्ति कुछ न्यूसेंस कर सकते हैं, उन सभी को रेड कार्ड नोटिस जारी किया है। आने वाला जो हमारा त्यौहार है होली और हजरत अली डे और जो हमारा CA आदि धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस सभी को मद्देनजर रखते हुए सभी को रेड कार्ड नोटिस जारी किया गया है और पुलिस मुस्तैद रह करके पिकेट ड्यूटी लगा करके गश्त करके सभी को आश्वस्त कर रही है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है और हर हालत में शांति व्यवस्था बहाल रखी जाएगी और शांतिपूर्ण त्यौहार सुनिश्चित कराया जाएगा।